फ्रेंड्स एंड वेलकम टू खबर बॉलीवुड। गोविंदा अपनी दमदार अदाकारी, शानदार डांस और ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर हैं। 90 के दशक में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। बड़े पर्दे पर नाम कमाने के बाद अब उन्होंने डिजिटल क्षेत्र में अपने कदम रख दिए हैं। हाल ही में अभिनेता ने खुद का OTT ऐप फिल्मी लट्टू लॉन्च किया है। गोविंदा का ये फैसला उनकी उद्यमशीलता के साथ फैंस के साथ उनके जुड़ने के आकर्षक तरीके को भी दर्शाता है। जानकारी के अनुसार इस OTT प्लेटफॉर्म से दर्शकों की विविध मनोरंजन आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। फिल्मी लट्टू में लोगों को फिल्मों से लेकर वेब सीरीज, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, पर्दे के पीछे की फुटेज और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस OTT लॉन्च के साथ गोविंदा की साल 2017 में आई फिल्म आ गया हीरो की स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी जाएगी। इस फिल्म में अभिनेता ने लंबे समय बाद पर्दे पर वापसी की थी। इस ऐप पर गोविंदा की क्लासिक फिल्मों के साथ नई और आकर्षक कहानी भी लोगों को देखने को मिलेगी। गूगल प्ले और एप्पल स्टोर पर ये ऐप अवेलेबल है, जिसे डाउनलोड कर दर्शक 149 रुपीज की मानसिक फीस पर मनोरंजन का लुत्फ उठा सकेंगे। वर्क फ्रंट की बात करें तो गोविंदा बड़े पर्दे से लंबे समय से दूर हैं। साल 2019 में वो रंगीला राजा नाम की फिल्म में नजर आए थे। फिल्म में उनका डबल रोल था, लेकिन दर्शकों को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई थी। इसके अलावा वो टीवी पर कई रियलिटी शोज भी बतौर जज नजर आ चुके हैं। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक खबर बॉलीवुड। थैंक यू।